हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ अच्छा होंगे। तो दोस्तों, कल मैं वीडियो नहीं दे पाया, उसके लिए सॉरी। कल मैं थोड़ा बिजी था इसलिए वीडियो नहीं दे पाया। तो दोस्तों, आज मैं पुरुलिया ओल्ड झूमर सॉन्ग में सिंपल स्टेटस वीडियो एडिटिंग ट्यूटोरियल लेकर आ गया हूँ। तो प्रीव्यू में तो देख लिया वीडियो कैसा होने वाला है। तो दोस्तों, इस स्टेटस को बनाना बहुत ही आसान है, तो वीडियो को एकदम पूरा देखे बिना स्किप किए। और दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। मेरे इस चैनल पर पहली बार आया हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इस तरह डेली वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। और वीडियो बनाने में कोई भी दिक्कत आए तो मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर देना, लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। उसके साथ साथ मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना, क्योंकि ये जो फोटो यूज होने वाला है ये फोटो टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एलाइट मोशन ऐप को ओपन कर लेना है ये स्टेटस को बनाने के लिए। तो मैं एलाइट मोशन ऐप को ओपन कर लेता हूँ। तो दोस्तों, एलाइट मोशन ऐप को ओपन करने के बाद देखो, जो प्रोजेक्ट वाला जो ऑप्शन है ये ऑप्शन में आ जाना। और देखो, जो सॉन्ग बीट मार प्रोजेक्ट और जो इफेक्ट जो प्रोजेक्ट है, ये दोनों प्रोजेक्ट मेरे इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन से इनपुट कर लेना सबसे पहले। और इनपुट करना नहीं आता है तो उसके लिए एक वीडियो मैं बना दिया हूँ, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके देख लेना। तो ये दोनों प्रोजेक्ट आसानी से इनपुट करना सीख जाओगे। तो देखो, ये जो सॉन्ग बीट मार प्रोजेक्ट है, ये सॉन्ग बीट मार प्रोजेक्ट को सबसे पहले ओपन कर लेना। तो ओपन करने के बाद देखो, इस प्रोजेक्ट का इंटरफेस कुछ इस तरह आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये प्रोजेक्ट में बीट आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा, देख सकते हो। और दो ग्रुप आप लोगों को देखने को मिलेगा, देखो। तो ये दो ग्रुप जो है, ये ग्रुप को हटाना नहीं, इसमें मैं इफेक्ट वगैरह सब कुछ देख कर रखा हूँ। तो सबसे पहले फ़ोटो को ऐड करना होगा स्टेटस बनाने के लिए। तो जिस फ़ोटो पे आप वीडियो बनाना चाहते हो, उस फोटो को ऐड करने के लिए देखो, ये जो ग्रुप एंड मार्क्स जो नंबर वन जो लेयर है, ये लेयर को टच करना होगा। इसके बाद देखो, एडिट ग्रुप पर चले जाना। और यहाँ पर आने के बाद जिस फोटो पे आप वीडियो बनाना चाहते हो, उस फोटो को ऐड कर लेना। तो फोटो ऐड करने के लिए देखो, सिंपल यहाँ पर प्लस ऑप्शन पर टच करना, मिड ऑप्शन में चले जाना और एक फ़ोटो को ऐड कर लेना। तो देखो, मैं ये फ़ोटो को ऐड कर लिया हूँ। और फोटो ऐड करने के बाद एकदम लास्ट बिट में चले जाना, ये जो ऑप्शन है यहाँ पर टच कर देना। तो ये जो फोटो लेयर है एकदम लास्ट में आ जाएगा, देख सकते हो। तो दोस्तों, अब क्या करना होगा, ऐसे साइड में दबा कर रखना है और एकदम नीचे देखो यहाँ पर ये फोटो लेयर को ला कर रख देना। तो देखो, ये जो लेयर है, ये लेयर को हटा नहीं है, इसमें मैं इफेक्ट सब कुछ मैं देख कर रखा हूँ। देखो, ये जो फोटो है, फोटो कुछ इस तरह एडिट हो गया। अगर ये फोटो को ऊपर नीचे करना चाहते हो तो ये फोटो लेयर को टच कर देना, मूव एंड ट्रांसफर में चले जाना। और ऐसा करके ये जो फोटो है, ये फोटो को ठीक तरीके से एडिट कर लेना। और एडिट करने के बाद फिर से बैक हो जाना, ये ग्रुप से बाहर हो जाना। और बाहर हो जाने के बाद देखो, यहाँ पर बाहर में और एक फ़ोटो को ऐड करना होगा। तो फोटो ऐड करने के लिए देखो, यहाँ पर जो प्लस ऑप्शन है पर टच करना, मिड ऑप्शन में चले जाना और ये वाला फ़ोटो को ऐड कर लेना। और फोटो ऐड करने के बाद देखो, ऊपर में जो थ्री डॉट है यहाँ पर टच करना होगा और इधर से फिल कंपोजिशन एरर को टच कर देना। तो ये जो फोटो है, ये फोटो फुल स्क्रीन हो जाएगा। तो दोस्तों, अब क्या करना होगा, एकदम लास्ट बिट में चले जाना, ये जो ऑप्शन है यहाँ पर टच कर देना। तो देखो, ये जो फोटो है, ये फोटो कुछ इस तरह एकदम लास्ट में आ जाएगा। और ये जो फोटो का जो ओपेसिटी है, इसको कम करना होगा। तो ये जो ब्लेंडिंग ओपेसिटी जो ऑप्शन है यहाँ पर चले जाना। और इसका जो साइज ओपेसिटी देखो, ऐसा करके कम कर देना। तो 50% रख लेना। 50% रखने के बाद देखो, ये जो फोटो लेयर है, ऐसे साइड में दबा कर रखना होगा। और ये जो सॉन्ग है, उसके ऊपर ये फोटो लेयर को रख देना। तो देखो, कुछ इस तरह ये जो फोटो है, फोटो एडिट हो जाएगा। तो दोस्तों, अब ये फोटो में इफेक्ट देंगे। तो फर्स्ट में देखो, ये जो ग्रुप में जो फोटो है, ये फोटो में फर्स्ट इफेक्ट देंगे। तो उसके लिए बैक हो जाना। और ये जो सेक इफेक्ट, सॉरी, ये जो मतलब सेक इफेक्ट, ये जो सेक इफेक्ट जो प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट को ओपन कर लेना। और देखो, फर्स्ट में जो फोटो लेयर है, ये फोटो लेयर को टच करना होगा। इसमें इफेक्ट है तो ये फोटो लेयर को टच करना, इफेक्ट में चले जाना, थ्री डॉट पर जाके कॉपी इफेक्ट कर लेना, उसके बाद बैक हो जाना। और ये जो सॉन्ग बीट मार प्रोजेक्ट है, ये सॉन्ग बीट मार प्रोजेक्ट को ओपन कर लेना। और सॉन्ग बीट मार प्रोजेक्ट को ओपन करने के बाद देखो, ये जो ग्रुप में जो फोटो है, ये ग्रुप लेयर को टच करना, इफेक्ट में चले जाना। और देखो, ये जो फोटो है, ये फोटो में ये इफेक्ट को पेस्ट करना होगा। तो इफेक्ट देने के लिए देखो, ये फोटो लेयर को टच करना सबसे पहले, इफेक्ट में चले जाना, थ्री डॉट पर जाके पेस्ट इफेक्ट कर देना। तो ये जो फोटो है, ये फोटो में कुछ इस तरह इफेक्ट लग जाएगा। तो दोस्तों, अब क्या करना होगा, ये ग्रुप से फिर से बाहर हो जाना। और देखो, ये जो ग्रुप से बाहर जो फोटो है, ये ग्रुप से बाहर जो फोटो है, ये फोटो में अब इफेक्ट देंगे। तो ये फोटो में इफेक्ट देने के लिए बैक हो जाना। और ये जो इफेक्ट वाला जो प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट में आ जाना। और देखो, ये जो सेकंड में जो फोटो लेयर है, ये फोटो लेयर को
टच करना होगा, इफेक्ट में चले जाना, थ्रीट पर जाके कॉपी इफेक्ट कर लेना, उसके बाद बैक हो जाना और फिर से सॉन्ग बीट मार प्रोजेक्ट को ओपन कर लेना। तो सॉन्ग बीट मार प्रोजेक्ट को ओपन करने के बाद देखो ये जो ग्रुप से बाहर जो फोटो लेयर है, ये फोटो लेयर को टच करना होगा, इफेक्ट में चले जाना, थ्रीट पर जाके पेस्ट इफेक्ट कर देना। तो देखो ये जो फोटो है, ये फोटो में कुछ इस तरह इफेक्ट लग जाएगा। तो दोस्तों अब क्या करना होगा, देखो फिर से बैक हो जाना और ये जो इफेक्ट जो प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट को ओपन कर लेना। देखो ये जो थ्री, ये जो ग्रुप थ्री जो लेयर है, ये ग्रुप थ्री लेयर को टच करना होगा। ये जो ऑप्शन है यहाँ पर टच करके इसको कॉपी लेयर कर लेना, उसके बाद बैक हो जाना और फिर से सॉन्ग बीट मार प्रोजेक्ट को ओपन कर लेना। और ओपन करने के बाद यहाँ पर वो लेयर को पेस्ट कर देना। तो ये जो ऑप्शन है यहाँ पर टच करना होगा और इधर से पेस्ट लेयर कर देना। उसके बाद देखो ये जो लेयर है, ये लेयर को टच करना होगा, एकदम लास्ट बीट में चले जाना। और ये जो ऑप्शन है, ये ऑप्शन से ये लेयर को एकदम एंड में लाना नहीं, तो ये जो इफेक्ट है वो नहीं काम करेगा। ये जो टाइमर ऑप्शन है यहाँ पर टच करके, ये जो ऑप्शन है यहाँ पर टच करके ये लेयर को ये लास्ट में लाना होगा। देखो तो कुछ इस तरह ये जो लेयर है, लेयर एकदम लास्ट में चले जाएगा। उसके बाद ये जो लेयर है, ये लेयर को अगर एडिट करना चाहते हो तो मूव एंड ट्रांसफर में चले जाना और ठीक तरीके से आप लोग सेट कर लेना जहाँ रखना चाहते हो। तो मैं यहाँ पर देखो रख दिया हूँ। उसके बाद बैक हो जाना और बैक हो जाने के बाद यहाँ पर एक पीएनजी फोटो ऐड करेंगे। तो पीएनजी फोटो ऐड करने के लिए देखो यहाँ पर जो प्लस ऑप्शन है यहाँ पर टच करना, मिड ऑप्शन में चले जाना और ये जो पीएनजी फोटो है, ये पीएनजी फोटो टेलीग्राम पर मिल जाएगा, उधर से आप लोग डाउनलोड कर लेना। तो देखो ये मैं पीएनजी फोटो को ऐड कर लिया हूँ और ऐड करने के बाद देखो ये जो मोबाइल ट्रांसफॉर्म जो ऑप्शन है यहाँ पर टच करना और ऐसे करके ये पीएनजी फोटो को यहाँ पर सेट कर देना। देखो यहाँ पर यहाँ पर सेट करने के बाद एक बार बैक हो जाना, एकदम लास्ट बीट में चले जाना और ये जो ऑप्शन है यहाँ पर टच कर देना। तो देखो ये जो पीएनजी फोटो है कुछ इस तरह एकदम लास्ट में आ जाएगा। तो दोस्तों अब क्या करना होगा, हमारा जो वीडियो है वो बन के तैयार हो गया, तो वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेना। वीडियो एक्सपोर्ट करने के लिए देखो यहाँ पर जो ऊपर में जो ऑप्शन है यहाँ पर टच करना और इधर से वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेना। दोस्तों मेरा आज का वीडियो इतना ही था, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तो तब तक के लिए जय हिंद।